देखो भाई एक बार ये वाली वीडियो शेयर जरूर करना। ये फौजी भाई जा रहा हमारा एक साइकिल पे, वीडियो भाई शेयर जरूर करना एक फौजी भाई के लिए। ये हमारे देश के असली हीरो है और देखो कैसे साइकिल पे जा रहे हैं, कोई दिखावा नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी पोस्ट का कोई वो नहीं कि हम लोग आर्मी में और हम लोग गाड़ी में चले या बस में चले या हम कोई मोटरसाइकिल ले। इन्हें बोलते हैं देश के असली हीरो, हमारे देश के रियल फौजी। देखो कैसे साइकिल पे चल रहे हैं, आज के टाइम में कोई ऐसा चलता है? आप लोग एक बात बताइए, आज के टाइम में हमारे हिंदुस्तान में जिसकी नौकरी 10,000 भी है ना वो भी गाड़ी लेके चलता है, पर देखो हमारे देश के फौजी कैसे चल रहे हैं। इन्हें बोलते हैं देश के रियल हीरो, जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, भारत से आके एक नौकरी करते हैं। देख लेना भाई कैसे चल रहा है हमारा फौजी भाई, इस फौजी भाई को दिल से सल्यूट है। वीडियो शेयर जरूर करना जितना हो सके, आप लोग ने बहुत वीडियो शेयर किया आज तक अपनी जिंदगी में, पर ये वीडियो एक फौजी भाई के लिए जरूर शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और जितना हो सके इतना शेयर करना ताकि हमारे हिंदुस्तान के सारे फौज डिपार्टमेंट तक ये वाली वीडियो जाए और इस फौजी भाई को मेडल मिले बहुत बड़े वाला। दिल खुश कर दिया एक बार पर्दा उतार ने, दिल खुश कर दिया हमारे फौजी भाई ने। क्या फौजी भाई है देखना भाई, क्या फौजी भाई है, मतलब दिल खुश हो गया इस फौजी भाई के लिए। आज के टाइम में कौन चलता है ऐसे, कोई नहीं चलता। एक बार मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा इस फौजी भाई को कैसे ये फौजी भाई साइकिल लेके चल रहा है। हम लोग अक्सर वीडियो शेयर करते हैं ऐसी, आपने देखा होगा लोग अपनी गाड़ी चलाते हैं, किसी किसी को ये हो जाता है कि भाइयों मेरी तो सरकारी नौकरी लग गई और अब तो मैं गाड़ी लूंगा मोटरसाइकिल लूंगा, पर इस फौजी भाई के अंदर कोई वो नहीं है लालच। एक बार देखना भाई फौजी भाई अभी साइकिल लेके आ रहा है, दिल से सल्यूट है ऐसे फौजी भाइयों को। आप लोग जितना हो सके वीडियो शेयर करना एक फौजी भाई के लिए, अक्सर आप लोग वीडियो शेयर करते हो पर इस फौजी भाई के लिए जरूर शेयर होनी चाहिए भाइयों। अभी देखना हमारा फौजी भाई कैसे आ रहा है, आप लोग खुद देखना भाई एक बार कहां गए हमारे फौजी भाई, मतलब दिल खुश कर दिया फौजी भाई ने, बहुत अच्छा दिल खुश कर दिया, बहुत बढ़िया वाला दिल खुश कर दिया हमारे फौजी भाई ने। और हमारे फौजी भाई मतलब यार ऐसा भी हमारे देश में आज के टाइम में हो रहा है तो यार इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं है कि हमारे देश में आज भी फौजी साइकिल पे चल रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपने देश की सेवा के लिए इतने मगन रहते हैं। सुबह उठते हैं 4 बजे, नहा धो के अपनी ट्रेनिंग करते हैं, जॉब करते हैं, अपने देश की सेवा करते हैं, बॉर्डर पे खड़े रहते हैं अपने परिवार को छोड़ के देश की नौकरी करने के लिए, अपने देश की नौकरी करने के लिए आते हैं और वो लोग साइकिल पे चल रहे हैं। ये हमारा देश, इसे बोलते हैं हमारा देश। अक्सर लोग फौज के ऊपर बोल देते हैं कि भाई सरकारी नौकरी के बाद लोगों में घमंड आ जाता है, आज के टाइम में कोई घमंड नहीं है। वो फौजी भाई आएगा तो मैं एक बार आपको दिखाऊंगा उस वाले फौजी भाई को, एक मिनट रुको भाई। भाई चले गए हमारे फौजी भाई, निकल गए शायद, पर भाई दिल से सल्यूट था फौजी भाई को। इंडियन आर्मी के बड़े बड़े अफसर तक ये वाली वीडियो सेंड कर देना और शेयर कर देना जितना हो सके। ये वाली वीडियो फौजी भाई के लिए थी, उस फौजी भाई को जो साइकिल पे चलते हैं, सल्यूट है दिल से, दिल खुश कर दिया उस फौजी भाई ने, दिल से सल्यूट। हमारे हिंदुस्तान में आज भी ऐसे बहुत सारे भाई है, बहुत सारे फौजी है जो अपनी नौकरी के लिए दिखावा नहीं करते, अपनी नौकरी कर्तव्य के साथ करते हैं, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत सारे फौजी भाई ऐसे बहुत मिलते हैं सड़कों पे। तो भाइयों दिल से शेयर करना वीडियो फौजी भाई के लिए, दिल से शेयर करना, क्योंकि हमारे देश की आन बान शान है। रात को तब हम सोते हैं ना, तब फौजी भाई खड़े रहते हैं। ओहो ओहो भाई, पर इनको भी हेलो भैया, कैसे बैठे हो आप यहाँ पर? भूख लग रही है आपको? खाना वाना नहीं खाया आपने? कब से भूखे हो? कल से खाना नहीं खाया? एक बार मेरे पास आओ, इधर आ जाओ, गाड़ी ले आओ, आ जाओ। फौजी भाई के लिए तो है दिल से सल्यूट, पर आ जाओ भाई आगे, आ जाओ खाना, आ जाओ खाना दूंगा आपको। खाना कब से नहीं खाया आपने? कल से खाना नहीं खाया? आ जाओ भाई। भाई ये जो राशन दे रहा हूँ आज अपनी इंडियन आर्मी के नाम पे दे रहा हूँ, जो फौजी भाई साइकिल लेके जा रहा था उसके नाम पे राशन है। किस्मत देखो कितनी अच्छी है भाई। ये लो आटा, एक मिनट रुको भाई, ये कुछ चिप्स वगैरह बच्चे वगैरह खा लेंगे, ठीक है? और भाई ये चीनी वगैरह है, ठीक है भाई? पर भाई ये वाली वीडियो फौजी भाई के लिए है, ठीक है भाई?
भाई जितना हो सके शेयर करना, सपोर्ट करना हमारे हिंदुस्तान के फौजी भाई को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को इतना शेयर करना ताकि हमारे देश के हिंदुस्तान के हर कोने तक जा सके। यहाँ पर भाई है फौज का कैंप है सामने मेरे, एयरफोर्स का कैंप है सामने, और यहाँ पर एक भाई जो कि बहुत ही बुरी हालत में है। भाई आप इधर रोज घूमते हो? हाँ। यहाँ पर आर्मी वाले निकलते हैं फौजी भाई, आपको देते हैं थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए? कोई नहीं देता, कोई हमारे यहाँ पर पुलिस वाले कोई सपोर्ट नहीं करते ना, आओ पकड़ लेते हैं। और ये जो लोग सड़क से निकल रहे हैं सपोर्ट करते हैं? हाँ जरूर करते हैं, करते हैं ना सपोर्ट। देख हमारे सामने है आर्मी कैंप, समझ गए? ये रहा फौजियों का कैंप, यहाँ पर बहुत सारे फौजी भाई रहते हैं। अगर आपको कभी परेशानी पड़ जाए, भूख अगर आपको भूख लग रही हो, कहीं मत जाना, आर्मी कैंप के सामने खड़ा हो जाना। हमारे हिंदुस्तान के जितने फौजी भाई है ना, वो आपको सपोर्ट कर देगा ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे हिंदुस्तान की आर्मी सपोर्ट करेगी आपको, ठीक है भाइयों? चलो भाई आप चलो, आप आगे आगे चल जाओ। भाइयों देखना हिंदुस्तान में कैसे कैसे भाई है, बेचारे भूखे रहते हैं, साइकिल पे चलते हैं, इनका कोई नहीं होता, पर ये वाला राशन जो आज मैंने दिया है अपने हिंदुस्तान के फौजी भाइयों के लिए दिया है। दिल से सल्यूट अपनी इंडियन आर्मी को, दिल से सल्यूट। वीडियो शेयर करना, और आज का राशन इंडियन आर्मी के नाम जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर इतनी सपोर्ट करेगा इंडियन आर्मी को, इतनी सपोर्ट करेगा किसी ने सोची ना होगी। वीडियो शेयर करना हिंदुस्तान के हर कोने पे, क्योंकि आज के टाइम में हमारा हिंदुस्तान बहुत मजबूत हो चुका है, हमारी भारत सरकार ने हमारी इंडियन आर्मी को बहुत मजबूत कर दिया है। आज के टाइम में हमारी इंडियन आर्मी में कोई घमंड नहीं है। आप लोगों ने देखा था कैसे हमारा देश का रियल हीरो साइकिल पे चल रहा था। दिल से सल्यूट। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक ठोकना, कमेंट करना इंडियन आर्मी के नाम पर। वीडियो इंडियन आर्मी के बड़े बड़े अफसर तक जानी चाहिए, और आप लोग रोड पर अगर कोई गरीब मिले ना उनको भी सपोर्ट करना। जय इंडियन आर्मी।